नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की रैली को संबोधित करने के लिए अमेठी के गौरीगंज पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों को लगता था कि उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव में बट जाएंगे, लेकिन चार दौर की वोटिंग के बाद उन्हें सच्चाई पता चली। उन्होंने आगे कहा कि वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें विकास और कानून व्यवस्था सुधरने के नाम पर सरकार जनता से वोट मांग रही है। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, आप ही देखिए। साथियों, परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे ज्यादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का, युवा टैलेंट का। जबकि आप देखेंगे भाजपा में आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई और अध्यक्ष बन जाता है। आज कोई एक भूमिका निभा रहा है, कल कोई और वही भूमिका निभा सकता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। भाजपा में कौन किस परिवार का है इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ता का परिवार नहीं, उसकी कर्मठता, उसका समर्पण, जनता के लिए सेवा करने का भाव, उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं। और आप जनसंघ के जमाने से इसे देख सकते हैं। हमारे यहां हमने इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जीने का वादा करते हैं। भाइयों, साथियों, इन घोर परिवारवादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मूला बना रखा है। ये लोग अलग अलग जिलों से मंत्री तो बना लेते हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं, लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने परिवार के लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, जो संविधान की व्यवस्था में नहीं है, उनको इलाके बांट देते हैं। भतीजों को कहते हैं ये दो जिले तुम्हारे, भांजे को कहते हैं ये दो जिले तुम्हारे, बहन को कहते हैं एक जिला तुम्हारा। और अफसरों को भी मालूम होता है जो मंत्री बनाए हैं वो तो नाम के हैं, असली मंत्री तो परिवार में जिनको बनाया है सब कुछ उसी को। ये सुपर मिनिस्टर, मिनिस्टर के ऊपर सुपर मिनिस्टर, वो परिवार का होता है। फिर जो विभाग होते हैं, खनन का काम भांजा देखेगा, हेल्थ का काम भतीजा देखेगा, विभागों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टर को बांट दिया जाता है। साथियों, ये विषय है पहला वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दूसरा परिवारवादी राजनीति। जब मैं दो विषयों की चर्चा करता हूं तो ये परिवारवादी लोग मुंह पर ताले लगा देते हैं और उनके जो इकोसिस्टम है ना, वो भी बात को उलट करके दूसरी दिशा में ले जाती है। आप देखिएगा, ये लोग कभी इसका जवाब नहीं देते क्योंकि इनके दिल में खोट है। साथियों, इन परिवारवादियों का वैक्सीन को लेकर जो रवैया रहा है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की,
भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कोशिश यही थी, उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं, राजनीति का रंग लग जाए और लोग वैक्सीन न लगवाएं, और वैक्सीन न लगे, कोरोना का हमला होता रहे, लोग मुसीबत में फंसते रहे और मोदी बदनाम होता रहे, योगी बदनाम होता रहे। जहां अमेठी में पीएम मोदी गरजते हुए नजर आए विपक्षियों पर, तो वहीं अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। बहराइच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गौरव वर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील करने पहुंचे। कैसरगंज के देवलखा में निकली भाजपा प्रत्याशी गौरव वर्मा के पक्ष में आयोजित जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर अखिलेश सरकार में आ गए तो अराजक तत्व जेल से बाहर आ जाएंगे और प्रदेश में कानून राज समाप्त हो जाएगा। योगी सरकार में बाहुबली नहीं दिखाई देते बल्कि हर जगह बजरंग बली ही दिखाई देते हैं। और क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आप ही देखिए। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून और व्यवस्था को ठीक करेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 5 साल में योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मुझे बताओ भाई, आजम खान कहाँ है? अरे सुनाई नहीं पड़ता, जरा जोर से बोलो। आजम खान कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर गलती करी, साइकिल ला दी, तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? बाहर आकर आपकी छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे भाई। अगर इनको जेल में रखना है यूपी को, और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। यूपी में बाकी के चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से जीत की अपील कर रहे हैं। आज सीएम योगी बाराबंकी और बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमने ये तय किया है, हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। कन्या सुमंगला योजना में बेटी को जो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, इसकी राशि को 25,000 करेंगे। और सामूहिक विवाह की योजना में गरीब कन्या की बेटी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कन्यादान के रूप में 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। और यही नहीं, हमारा युवा कैसे छूटेगा, उसको तो हम लोग और अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं, फ्री में कोचिंग की व्यवस्था। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आप सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली सरकारें कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, और ये रामनगर से ज्यादा कौन जान सकता है। यहां पर तो मां दुर्गा की निकलने वाली मूर्ति को भी रोकने का कार्य होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के दौरान आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। आज आपको कोई भी माई का लाल ना कांवड़ यात्रा को रोक सकता है, ना मां दुर्गा के पूजा अनुष्ठान और मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को ही रोक सकता है।
पहले पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। 5 साल पहले स्थिति क्या थी? 5 साल पहले कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे फसाद शुरू होते थे, कर्फ्यू शुरू हो जाता था और बाकी जो था वह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जबरन मूर्ति विसर्जन के जुलूस को रोका जाता था, कावड़ यात्रियों को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। अगर आप कंप्लेंट करते थे तो उल्टा आप ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता था। 8 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभी बेटी को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यह राशि 25,000 होगी और बेटी की शादी के लिए जो अनुदान अभी 51,000 है इस राशि को बढ़ा करके 1,00,000 करने की तैयारी है। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिल रही है यह राशि 12,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर के 18,000 रुपए करने की व्यवस्था की। यूपी चुनाव को देखते हुए सियासी दिग्गजों की लगातार जनसभाएं हो रही हैं। जहां पीएम मोदी अमेठी पहुंचे हुए थे तो वहीं उनके साथ जनसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। स्मृति ईरानी ने अमेठी के कौहार में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कल वो आएंगे, रिश्तों की दुहाई देंगे, कदाचित राम का नाम भी लेंगे, मगर जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सब उनका छलावा है। और क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने, देखिए। जिसने साल 2019 में एक ऐतिहासिक घोषणा दोहराई और फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद आज ये कर्मठ स्नेही जनता एक नए संकल्प के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई है। इस बार ये जनता घोषित करती है कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी योगी सरकार। इस मंच पर आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों से जोड़ूंगी अमेठी के हर उस नागरिक को जिनको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं साल 2014 और 19 में वचन दिया था। प्रधानमंत्री जी ने इसी स्नेही जनता से करबद्ध निवेदन किया था कि वर्षों वर्ष आपको एक परिवार ने इस पुण्य धरती पर छला है, एक बार कमल के निशान पर विश्वास करें, एक बार कमल के निशान को अपनाकर सेवा का मौका दें और हम 5 सालों में वो कार्य कर दिखाएंगे जो गांधी खानदान इस क्षेत्र में 50 साल नहीं कर पाया। आज अमेठी की दीदी होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि एक तरफ 30 साल से अमेठी का लंबित बाईपास आपके आशीर्वाद से बन पाया, दूसरी ओर 40 साल से मेडिकल कॉलेज बनाने का छलावा जो कांग्रेस पार्टी करती आई, आपने उनके छलावे का अंत कर विकास को नए स्वरूप में परिभाषित कर न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके अमेठी को धन्य किया बल्कि साथ ही तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़। जहां बीजेपी के कई दिग्गज जमीनी तौर पर उतर कर जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज के हंडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। हंडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसे। पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में ही
जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे दिया है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को बहुमत की सरकार का फैसला सुना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जाएं। ये सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो पांचवें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं, जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी और सपा ही नहीं, कांग्रेस भी चुनावी दौड़ में है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करने के लिए जनपद बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मसौली कस्बा पहुंची, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा है सुनिए। विधानसभा क्षेत्रों में ये परिस्थितियां क्यों है कि जनता गरीब से और भी गरीब हो रही है? आप इतने नौजवान खड़े हैं, पिछले 5 सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से? कोई हाथ उठाए? नहीं मिला? एक तो होगा, कोई एक तो होगा, नहीं है? तो देखिए ये स्थिति है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, छुट्टा जानवर आपके खेत खाया जा रहा है, किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसान भाई खूब सारे होंगे यहाँ, आपको अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिलती, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं आप। लोकतंत्र क्या है कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए और यहाँ जो सत्ता में आता है वो आपको दबाता है, आपके भ्रष्टाचार का सामना आप करते हैं, महंगाई का सामना आप करते हैं, बेरोजगारी का सामना आप कर रहे हैं, किसान अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, बुनकर अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, श्रमिक अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं है, उल्टा जब आप आवाज उठाते हैं तो आपको दबाया जाता है, दमन किया जाता है, तो ये लोकतंत्र भी नहीं है। यूपी में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और बचे हुए 3 चरणों के प्रचार जोर शोर पे चल रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो बस्ती शहर के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर बारी बारी से हमला किया और कहा कि सपा और भाजपा जाति और धर्म विशेष के लिए काम करती है, लेकिन अब केंद्र वे अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के वे अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब फिर इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं,
बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है, पीड़ित रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राजरा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार ने हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होके रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी, तो उन्हें भी सपा सरकार ने। यूपी चुनाव के चार चरणों का मतदान हो चुका है। राजनीतिक दलों के महारथी अब पूर्वांचल के रण में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना के सांसद संजय राउत और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी बता डाला और कहा कि 10 मार्च के बाद भाजपा नहीं दिखेगी। क्या कुछ कहा है सुनिए। आपने जो वर्णन किया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 10 मार्च के बाद आपको नहीं दिखेगी, ना गोरखपुर में दिखेगी, यहां से तो हट गई समझ लो आदि से, ना लखनऊ में दिखेगी। और यही परिवर्तन का माहौल रहा तो 2024 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली से भी भाग जाएगी। और ये शुरुआत यहां से हो रही है, इस भूमि से, इस पावन भूमि से, ये गौतम बुद्ध की भूमि से। हमारी राजनीति शिवसेना की नफरत की राजनीति कभी नहीं रही। जरूर हमारे हाथ में हिंदुत्व का केसरिया है, हिंदुत्व का भगवा है, लेकिन हमारे साथ हिंदू के साथ मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, क्योंकि हम सब राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त की राजनीति करते हैं। जो एक आशावाद की बातें चल रही थी, परिवर्तन की बातें चल रही थी, सपा से भाजपा तक आप लेके गए। 2017 का जो चुनाव हुआ, एक विकल्प करके आपने कमल को चुना, भाजपा का चुना, लेकिन जो भी सपने दिखाए थे वो सपने पूरे कर पाए हैं? तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? जो भी उस वक्त हम सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, हमें भी महाराष्ट्र में लगा कि चलो उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है, केंद्र में भारत सरकार इतनी 303 की बहुमत से बनी हुई है, यहां भी बहुमत, यानी कैसा बहुमत, जैसे कोई राजा को बहुमत दे वैसे बहुमत की सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी। लेकिन जो भी वादे थे, जो भी आशाएं दिखाई, जो भी सपने दिखाए, वो सपने सपने रह गए, सपनों का जुमला बन गया, लेकिन सपने खरे उतरे नहीं। उतरे क्या? सिर्फ नफरत की बातें हुई, सिर्फ दंगे की बातें हुई, डरावनी बातें हुई। अभी भी 5 साल बाद, यानी भारत सरकार तो 7 सालों से है, 2014 से है, बहुमत दोनों बार मिली थी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भारी बहुमत मिली थी 2017 में, 7 साल भारत सरकार के और 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के, भाजपा सिर्फ लोगों को डराते आई है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये खतरे में है, वो खतरे में है, लेकिन खतरे में कोई हो नहीं सकता। ये श्री राम की भूमि है, श्री राम की भूमि है। चुनावी समय है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो जनसभाओं में यूं ही लगते ही रहेंगे, और इसी चीज को, यानी कि आरोप प्रत्यारोप को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और जुबानी वार पलटवार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।